हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुशीर। सो गाइस, दी स्क्रीन पति का अगला यार मतलब वीडियो लेकर आ गए। पिछले वे हम लेकर आए थे एक फनी वीडियो बनाते हैं, हां ड्रेसिंग रूम की मतलब वो वीडियो थी। इस बार लेकर आए हैं पांड्याज व्लॉग एपिसोड 1, टीम इंडिया की घर वापसी फीट मतलब प्रतीश मेहता। हाँ भाई, मतलब प्रतीश मेहता। तो देखते हैं पांडा का व्लॉग आने लगा, देखते हैं कैसा यार बहुत वाली वीडियो होती है, तो देखते हैं जल्दी से, मजा आने लगा। काउंट करते हैं 3 एंड स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल द पीपल ऑफ बारबाडोस एंड बरोडा। तो गाइस, अब से मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है क्योंकि सेमीज में जो हो तो आपको मालूम ही है ना, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। क्योंकि जैसे भी उसके बारे में बात करता हूं ना गाइस, मेरा पता नहीं क्यों एकदम से ऐसा बीपी हाई होने लगता है और मेरे को गुस्सा आने लगता है, तो उसके बारे में बात नहीं करते, क्या बोलते हो? अरे अरे बीकेल, तू यहाँ था क्या? पता ही नहीं था। आई एम ना, आई एम ओनली केला। नहीं भाई, तू बीकेल ही है, वो ऑडियंस को पता है। क्यों ऑडियंस? तो क्या है, अब हम भारत के लिए वापिस आ रहे गाइस, तो भाई तू पैकिंग शुरू कर। ए जर्सी यहीं छोड़ के जा, ये तेरा काम की नहीं बची अब। तो गाइस क्या है, अब हम भारत के लिए वापिस आ रहे हैं और अपने विराट भाई पहले ही जा चुके हैं, वो पाकिस्तान को फाइनल्स के लिए टिप देने गए थे ना। अभी तो हरी है, बाप बाप भी होता है। चलो मैं भी निकलता हूँ, ठीक है अश्विन अन्ना, लाओ मेरी वाली दो। अश्विन अन्ना, देखा अश्विन अन्ना का रियल टैलेंट। चलो गाइस आगे मिलते हैं। गाइस तो मैं लॉबी के लिए निकल गया हूँ, ये देखो ये अपने पंथ का रूम है, ये अपने भूवी का रूम है, और ये अपने विराट भाई का रूम। अंदर से तो आपने देख ही रखा है गाइस, है तो अंदर से ये कैमरा में तू वही है ना, तू वही है ना जो अंदर जाके विराट भाई के रूम की वीडियो बनाता है, सही करता है। अब से मेरी वीडियो भी यही बनाएगा, बनाएगा ना। तो गाइस आगे के ब्लॉग के लिए पार्टनर मिल गया, आजा 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 गाइस, इससे मिलो। ये डीके इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा खेला है, इतना अच्छा खेला है कि अगले टूर्नामेंट में सीधा कमेंट्री करेगा। मिताली ताई की टेंशन खत्म कर दी भाई तूने, थैंक यू। अरे गाइस ये देखो मेरे को रास्ते में कौन मिला, अक्षर, जिसके मार मार के इंग्लैंड वालों ने अक्षर मिटा दिए हैं। ये कौन है? मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, मोटा भाई, गेम छो, गेम छो। ये कौन है? आ भी गया मारो शेर थोड़ा भाई। कौन है गाइस? हमें सी ऑफ करने स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे सेक्रेटरी जय मोटा भाई। जय शाह, जय बोलो गाइस। तो आगे सब कोई देखो, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार पूरी टीम खेली बहुत बढ़िया है। पर वो हिट मैच कब का क्या है, इस साल नहीं तो अगले साल आ जाएगा। क्यों रोहित जी? मोटा भाई मैं भी इन लोगों को वही समझा रहा था। तो गलत समझा रहा था चूतिये, कप हमें इसी साल जीतना था। सबके सब हग के आए हो, किसी को फ्लाइट की टिकट नहीं मिलेगी। मोटा भाई, हाँ सिर्फ पंड्या, सूर्य कुमार, चहल और अर्शदीप जाएंगे प्लेन से, बाकी सब के सब पैदल आना इंडिया। और मैं ये कौन है? मोटा अन्ना, अगर मैं पैदल आएगा तो हमारे शादी का डेट निकल जाएगा। ये क्या रहा है? बोलना पेंसिल। पेंसिल अन्ना ने बोला तेरी शादी कैंसिल। तुझे शादी की पड़ी है? जय 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 क्या, काम डाउन, काम डाउन, लाउड रेवल, लाउड रेवल। गेम है, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आवर बॉयज परफॉर्म वेरी वेल एंड गेट देयर बेस्ट। सर सर उसको गुस्से से मार दिया, ये इनका बेस्ट है, ये इनका बेस्ट है। सर आप मुझे एक बात बताइए, T20 में ओपनर बैट्समैन का एक आइडियल स्ट्राइक रेट कितना होना चाहिए? स्ट्राइक रेट इट्स अराउंड 60-70। 60-70 राहुल 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 नो 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 नाम भी मार रहा है, इट्स अराउंड 70-80 70 टू 80 100 100
600. अरे अन्ना 105 बोलो ना. 105. पहले व्लॉग में मारा मारी पक्का वायरल होगा. ये मस्त है यार. 150. नीचे जा नीचे जा. 150. अब बता कि एक फास्ट बॉलर की एवरेज बॉलिंग स्पीड क्या होनी चाहिए. 100. बूबी 115. तो गाइस अब हमारे साथ साथ भूमि भाई को भी टिकट मिल गई है पर पाकिस्तान की. भूमि भाई मकसद नहीं बोलना है, वहां जाकर सबका पेस स्लो कर दो ठीक है. मोटा भाई चला जा भोसड़ी के. लव यू भूमि भाई, लव यू. कितनी मुश्किल से पापा से बोलकर सेटिंग करवा करके तुम लोगों को ग्रुप बी में डलवाया था, तब जाकर के मरते मरते तुम लोग सेमीज तक पहुंचे हो. अगर ग्रुप ए अगर ग्रुप ए में होते ना तो दिवाली इंडिया में मना रहे होते. अरे मोटा भाई ऐसा भी नहीं. ए चुप, तो सबसे पहले मुझे मोटा बोलना बंद कर ढोकला. ये देख तेरे क्या क्या मीम्स आ रहे. देख 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 कि रोहित इतना मोटा है दैट ही कैन बी फिट इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एट द सेम टाइम. मोटा भाई मीम्स मुझे भी आया, सुनाऊं क्या? सुनो. रोहित शर्मा ने बॉल डाली, पैर अंदर था फिर भी एम्पायर ने नो बॉल दे दी. बताओ क्यों? 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 बड़ा भाई पेट बाहर था ना. यार ये रो क्या रहा है, जनता समझाए क्या? अरे मोटा भाई रो नहीं रहा था, वो वड़ा पाव खाते वक्त मिर्ची वाला हाथ लग गया था. इतना खाता क्यों है, कुछ दूसरों के लिए भी बचाएगा. बचाया ना मोटा भाई, अर्शदीप के 2 ओवर बचाया ना सेमीज में. अर्शदीप के. और तो एक बात बता मुझे, जब सारी दुनिया अपने लेग स्पिनर्स को खिला रही थी तो तूने चैल से पानी को पिलवाया है? एक बॉल तक नहीं छुई बेचारे को. मोटा भाई बॉल तो छुई उसने एम्पायर्स की. अरे यार मुझे तो वो भी छूने नहीं मिली. तू कौन है बे? पर्पल जा. कौन है? सब मेरी गलती है, सारी गलती मेरी है. मुझे ना ये 92 वाला राइटर लेना ही नहीं था. 2011 वाला राइटर लेता ना तो 1 का 5 घर पे और आ गया होता. नहीं नहीं मोटा भाई, वो 92 वाला भी कहीं चला, फाइनल में आके तो देखो ना. और एसीसी ट्रॉफीज की बात है ना तो वो तो माई भाई ऑलरेडी ला चुके हैं. जनता हमसे नाराज है ना, तो अभी एक बायलेटरल ट्रॉफी जीत के उनकी नाराजगी दूर कर देंगे हमेशा की तरह. क्यों रोहित भाई? जेएसके पापा, जेएसके. हाँ पापा, आज के बाद ओपनिंग आप और मोटा पापा करेंगे. अच्छा इन दोनों का संन्यास दिलवा दूं? जी जरूर पापा. जी जी पापा आ गया, बस आ गया गया. जी पापा आओ छो. अरे पैर जल्दी जल्दी में घर में भूल गए पापा. आओ छो आओ जाओ मोटा भाई आओ जाओ. हाँ तो गाइज मोटा भाई ने पहला ही व्लॉग वायरल कर दिया है. और सही भी क्या गाइज, अरे ऐसा खेलेंगे तो ऐसे ही पिलेंगे ना. टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो, टीम इंडिया के लिए खेलने वाले के पास एक स्पिरिट होनी चाहिए और आप लोगों के पास भी एक स्पिरिट होनी चाहिए हमें सपोर्ट करने की, जिसकी हमें जरूरत है अभी. आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. तू कौन है बे? ये कौन है गाइस? ये कौन है? किस तरीके से स्टार्ट में आया वो, मतलब कहता मैं तो जाऊंगा ना मोटा भाई को. कहता हाँ तुम जो है ना स्काई, अर्शदीप और चहल ये जाएंगे, बाकी सब पे चहल खेला ही लिया ना. चहल बेचारा खेला ही और विराट कोहली पहले से चले गए थे. तुझे तो अन्ना ने भी बैठी देने से भला कर. सुनील शेट्टी ने यार क्या राहुल की भी शादी आ रही है ना. हाँ कहता शादी निकल जाएगी, कहता तुझे तो अन्ना ने भी बैठी देने से भला कर दिया. यार मेरे लिहाज से ना जितने कल प्राइस मिले ना, वैसे एक बात है आईपीएल में एक प्लेयर की उतनी इनकम होती है. इनकम होती है जितने कल बड़ी टीम जीती है, इनकम क्या ज्यादा होती है. ज्यादा होती है सही बोला.
यार मैं हंसता रहा था ना, मैंने जब देखा ना जब वो अश्विन को कहता है, कहता हाँ ये बता किसकी पैंट है वो वाला जो है ना वो, और उसके बाद सारी मीम्स को यूज किया है, मीम्स को यूज किया है, चेहरे रील्स वगैरह बनाता रहता है ना, तो उसको मैं वो ब्लैक वो पहनाया था। गाइस आप बताएं कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताओ, इधर भी टका तो करते हैं अपने बहुत ज्यादा कार्यक्रम तो यार।